अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वी आर गोइंग टू चांदनी चौक जामा मस्जिद टुडे, क्योंकि हमने अपनी पूरी मार्केट छान मार ली और यहाँ पर हमें कहीं पर भी ऑर्गेन्जा के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो हमने डिसाइड किया कि हम चांदनी चौक जाके ट्राई करेंगे, कुछ मिल जाए हमें। और इफ्तार भी हम वहाँ पे जामा मस्जिद का हमारा प्लान है कि करने वाले हैं, और एक दिन इफ्तार भी बाहर हो जाएगा। देखते हैं फिर कैसा रहता है वहाँ का ईद कलेक्शन। तो बस चार दिन रह गए ईद के और अभी तक हम लोगों का सूट आया नहीं है कोई। हम लोग दो बार अपने एरिया की मार्केट जा चुके हैं और जो थोड़े बहुत पसंद आया, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सूट पसंद आ जाए या कुछ जिसे ले लें एकदम। तो बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम वहाँ की मार्केट में हमें फटाफट कुछ पसंद आ जाए और हम एकदम से खरीद के आ जाए। कैसा लग रहा है आपको? तो हम लोग फाइनली मेट्रो पहुंच चुके हैं और यहाँ तक पहुंचने में तो हमारी हालत ख़राब हो गई क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा बुरा था दिल्ली में। हर जगह ट्रैफिक बहुत है, गर्मी इतनी सड़ी हुई हो रही है और बस ईद के चार दिन बचे, इस वजह से हम जा रहे हैं। और वर्थ इट हो जाना इतना दूर जाना, हमें मिल जाए कोई ढंग का सूट वगैरह और आराम से हम लोग सूट लेके आ जाए। भाई साहब फाइनली हम पहुंच गए। हमने अब हमें जाना है गेट नंबर एक पर अपनी खाला वगैरह से मिलने के लिए। उनके साथ हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। और सामने मुझे मस्जिद नजर आ रही है। भाई साहब एक जमाने बाद आई हूँ जहाँ मस्जिद। यहाँ पर अभी से इतना ज़्यादा क्राउड नज़र आने लगा था, इसी वजह से उतार में पहले आए थे कि हम लोग अच्छे से शॉपिंग कर पाए। क्या बढ़िया बढ़िया पकवान नज़र आ रहे हैं, पर हमारा रोज़ा है, उतार के बाद हम ये सब खाएंगे यहाँ पर। फिर बस हम लोग यहाँ खाला वगैरह से मिले और अपने ईद के कपड़ों की तलाश में निकल जाते हैं मार्केट की तरफ। तो सबसे पहले हम इस शॉप पे गए जहाँ मेरी कज़न लेके गई थी, और ये शॉप इतनी ज़्यादा प्यारी थी। यहाँ इतने प्यारे प्यारे सूट थे सारे, पर ये सिलने वाले थे, मतलब सीने होते या सिलवाने पड़ते। तो यहाँ हमने सूट्स देखे अलग अलग, ब्लैक कलर का ये सूफिया ने सूट देखा था, बहुत प्यार था, बस इसलिए लिया क्योंकि लास्ट ईद पे भी इसने ब्लैक कलर ही पहना था। उसके बाद में यहाँ भैया भी बिल्कुल बताने लगे कि ये सूट पहनने के बाद कैसा लगेगा। और उसके बाद में हम लोग निकलते हैं दूसरी जगहों के लिए। ये मार्केट इतनी सही है, यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है, मतलब बैग्स की शॉप और चूड़ियों की बड़ी बड़ी शॉप्स। और यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगी कि नकली मेकअप भी मिल रहा होगा। ये पर्स हमने अपनी कज़िन के लिए लिया था, यहाँ चूड़ियों की दुकानदारी हो रही थी। उसके बाद मैं यहाँ इसके सामने ही नकली मेकअप मिल रहा था सारा, जो भैया कह रहे थे मेबलिन से भी अच्छा है ये मेकअप। हमने इनके पास से एक आई शेडो पैलेट भी ली थी क्योंकि मतलब ये क्रीम वगैरह तो नहीं लेनी चाहिए लोकल की, ब्रांड ही लो आप, अच्छा एक कंपनी की चीज़ लो, पर भैया का एटीट्यूड अलग लेवल का था। और फिर यहाँ अजानें शुरू हो गई है सर की। तो हमने काफ़ी देर तक घंटों मार्केट घूमी, अलग अलग शॉप्स पे गए। मैंने सूट ले चुकी थी, सूफिया का सूट हम ढूंढ रहे थे, हम इस शॉप पे भी गए थे। इनकी शॉप काफ़ी बड़ी थी पर उस हिसाब से इनके पास कोई अच्छे खास डिज़ाइंस नहीं थे। तो भाई मुझे तो सूट मिल चुका है, मैंने अपना एक तो सूट ले लिया और ये परेशान हुई थी बेचारी। इनकी किस्मत बहुत बेकार है, इन्हें सूट नहीं मिल पाया जैसा ये चाहती थी वैसा ही नहीं। और यहाँ इस मार्केट में काफ़ी कुछ था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पर ये एस्थेटिक वाले कोट सेट भी मिल जाएंगे। और ये बहुत बहुत अलग अलग प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में अलग अलग डिफरेंट कलर्स में मिल रहे थे। इनके प्राइस रेंज भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि ओवर एक्सपेंसिव या कुछ, मतलब हैरत थी कि चांदनी चौक या फिर चितली कबर जैसी मार्केट में ये वाले डिज़ाइंस। और यहाँ पर ये प्लाजो मिल रहे थे बहुत अच्छे अफोर्डेबल रेट्स में। यहीं से ही पता चल रहा है कि यहाँ कितना ज़्यादा क्राउड होने वाला है अंदर। बस उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जगह मिल जाए इफ्तार में, अभी 40-45 मिनट्स रह गए।
लेट्स सी की जगह मिल पाती है नहीं, वरना सीढ़ियों पे करना पड़ जाएगा। आंटी आंटी पूछ रही है इंडिया गेट कहाँ पर है, जहाँ मस्जिद पे खड़े होकर। एक काम है, कह रही थी पीछे वाले रिक्शे में आ रहे हैं बस। इफ्तार का टाइम हो रहा था और इफ्तार के टाइम पे जामा मस्जिद में इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है, मतलब अगर कोई भी जा रहा है तो उन्हें अपनी एक जगह बिठानी पड़ती है, किसी को भेजना पड़ता है कि वो इंसान बैठ जाए वहाँ पे जगह लेकर। इसलिए हम लोगों ने खाला को भेज दिया था और हमने फटाफट बाहर से ना ये सामान लिया, जैसे फ्रूट्स लिए और ये चना चाट ली, सब सामान आपको ना गेट के बाहर मिल जाता है ऑलमोस्ट सामान, जिसे लेकर आप इफ्तार कर सको, क्योंकि कौन ही आएगा अपने घर से इतना सामान लेकर। तो हमने यहाँ से ही अंकल से चना चाट ली थी और फिर हमने फ्रूट्स लिए सारे, उसके बाद में शरबत की बॉटल ली, पानी की बॉटल्स ली ठंडी, जिसकी वजह से क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पर, और छोटा मोटा सामान लिया जैसे आलू की पकौड़ियाँ और सब समोसे वगैरह, छोटे छोटे से सामान जो बेसिक से इफ्तार के सामान होते हैं। हमारा ये प्लान था कि हम थोड़ा बहुत खाएंगे इफ्तार पे और बाद में इफ्तार के बाद में मार्केट में जाके कुछ देखेंगे खाने पीने का, तो यहाँ हम सारा सामान लेकर ऊपर चल देते हैं। जामा मस्जिद इतना खूबसूरत लगता है रमज़ानों में अंदर से भी, मतलब इतनी प्यारी रौनक होती है, क्राउड होता है, एक अलग ही वाइब आती है। मुझे तो रमज़ानों में एक बार होता ही है कि इफ्तार के लिए जामा मस्जिद ज़रूर जाया जाए, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आने के बाद में। यहाँ पर खाला बैठी हुई थी, ये लोग ना हम लोग खरीद सकते हैं 10-20 रुपए की ये शीट टाइप मिलती है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, क्योंकि इसे बिछाकर इस पे खाना वगैरह रख कर सब बैठ जाएँ और इफ्तार इजीली कर पाएँ। तो क्राउड देखो, क्राउड हर मिनट पर भर रहा था यहाँ पर क्राउड, जैसे जैसे इफ्तार करिए पता चल रहा तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लोगों को और दिक्कत हो रही थी जगह लेने में। तो बस यहाँ पर बैठ कर हमने ये सामान सेट करना स्टार्ट करा कि इफ्तार के लिए, और फिर इफ्तार का टाइम हो गया तो हमने इफ्तार खोला। जामा मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है रमज़ानों में कि अगर मतलब रमज़ानों में आप जामा मस्जिद नहीं गए तो कहाँ ही गए यार, इतनी प्यारी जगह है और यहाँ के खाने वगैरह रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे हैं कि रमज़ान की वाइब ही डिफरेंट है यहाँ पे। पूरी दिल्ली में ऐसी जगह रमज़ान में नहीं मिल सकती, तो रमज़ानों में ज़रूर जाएं। और यहाँ जैसे हम बाहर निकले थे इतनी भीड़ लगनी शुरू हो गई थी मार्केट में, यहीं से नज़र आ रही थी भीड़, मुझे ऐसा लग रहा था लोग इफ्तार के लिए बैठे हुए थे कि इफ्तार करते ही मार्केट में जाएंगे। तो हम लोग भी बस, हमें थोड़ा बहुत काम रह गया था, सूफिया का सूट लेना था, हमें नवाब जान का क्रेजी अबाउट नवाब जान, मोहब्बत की शरबत के क्रेज में यहाँ पे आ गए भाई, आज हमारे तो ये मोहब्बत का शरबत पीने के बाद में बिलाल भाई साहब एकदम खुश हो गए थे, और उसके बाद में हम लोग एक शॉप पे गए जहाँ हम सूफिया के लिए सूट ढूंढ रहे थे। तो ये सूट हमें दिखा, काफ़ी अच्छी काफ़ी प्यारी कढ़ाई थी इसमें, कलर भी बहुत एकदम लाइट सा था और ये हमें काफ़ी पसंद आया, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये लेते हैं। सो फाइनली सुपर नाल के भी कपड़े खरीद लिए हैं। डेकोरेशन तो अलग ही होती है चांदनी चौक या फिर मतलब ये जामा मस्जिद के आसपास एरिया की, इतनी अच्छी वाइब आती है, इतनी प्यारा लगता है रात में। तो उसके बाद में मतलब गर्मी इतनी बढ़ गई थी तो मैंने यहाँ लस्सी ली, और क्या बढ़िया लाजवाब लस्सी थी ये, अलग ही बहुत बढ़िया, मतलब मैंने एक ज़माने बाद इतनी अच्छी लस्सी पी होगी कभी। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ अलहिबा नाम से रेस्टोरेंट जो है, अलहिबा बारबेक्यू, ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है आजकल, और यहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था, छोटा सा बनाया हुआ है इन लोगों ने कि अंदर सिटिंग थी तो ये लोग बाहर वेट करा रहे थे कि पहले अंदर से लोग बाहर आएँ तो फिर बाहर वाले जाएँ अंदर। यहाँ हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे, फिर जाके हमें सीट मिली, तो हमने यहाँ दो प्लेटर लिए थे छोटे छोटे क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी, और खैर इनका टेस्ट बहुत अच्छा था, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उतना ही बढ़िया रहा यहाँ पर।
ये इनका मेन्यू लगा हुआ था, इनके पास ऑलमोस्ट प्लेटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, बस ये है कि इन्हें अपना थोड़ा सिटिंग एरिया बढ़ाना चाहिए। उसके बाद में हम लोग नबा के कपड़े देखने गए थे, ये दो सूट हमें पसंद आ रहे थे पर ब्लैक वाला बहुत प्यारा था तो हमने यही लिया। ये ऐसा था जैसे बड़े लोगों के पाकिस्तानी सूट को छोटा कर दिया हो। फिर गर्मी बहुत बढ़ गई थी, हम लोगों को निकलना भी था तो हमने यहाँ लेमन सोडा लिया और सूफिया ने ली थी आइसक्रीम और यहाँ इसके बाद हमने रिक्शा पकड़ा सीधा मेट्रो के लिए। तो भाई चांदनी चौक से शॉपिंग करके तो हम हो चुके हैं पूरी और काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया है, नबा के कपड़े भी हमने ले लिए यहाँ से और मतलब वर्थ इट रहा यहाँ का आना, तो लगा नहीं था मुझे कि पसंद आएगा हमें कुछ पर हमारा हो गया बढ़िया। और नेक्स्ट स्टॉप है हमारा शाहीन बाग की मार्केट, आज ही हम सारा शॉपिंग कर डालेंगे, सब कर डालेंगे। अभी हम एकदम क्षम है, चांदनी चौक की गलियों में घूम रहे हैं, फिल्मी फील्स आ रही हैं और मेट्रो स्टेशन जाएंगे हम सीधा। मतलब यहाँ पर ना गलियों गलियों तक में इतनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी कि देखकर ऐसा मन नहीं चाह रहा था कि घर जाओ यहाँ पर बैठ के सहरी करो, ऐसा था। बहुत ही प्यारी रात की वाइब थी यहाँ की, अलग ही। तो भाई हम लोगों ने इतना भर भर के खा लिया था, इतना भर भर के खा चुके थे कि हम ऊपर तक फुल हो चुके हैं और इसलिए आई एम हैविंग अ लेमन सोडा। देयर इज योर हिजाब टू स्पीक, बच्चों का गलत पंच कर रहा है, रखना मत करना और के बाद में बोल देना एक तो आज निकल के गिर जाओगे बहुत बुरे तुम लोग, फायर के लिए पढ़ो मुझे और अच्छा है हमें कोई सीट भी खाली मिल जाए इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलें फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे शाहीन बाग, जो है शाहीन बाग।